नहीं जाते अगर उसकी परसेंटेज है 0.8% केस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ दोषी को सजा मिलती है, लेकिन ऐसा क्यों? लिए सोसाइटी की अच्छाई के लिए ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। ये आप ये ना समझिए कि चार लोग नारे लगा रहे हैं और बस बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हैं, नहीं, ये उस सब परमात्मा भगवान उसके आगे सफाई पेश कर रहे हैं। सर मैंने हक के लिए बात की, मैंने कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया, अपने हक के लिए बात की ताकि एक एक एग्जांपल सेट की जाए। मेरी आन मेरी बान, देश की रानी मेरी शान, मेरी आन मेरी बान। मैं शुभम कोतवाल, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड भद्रवाह, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड भद्रवाह, और यहाँ पे वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो, इतनी सारी NGOs यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इकट्ठी हुई हैं कि जो चिराला की निर्भया है उसको हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि जो देश में रेप की परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। 2012 में भद्रवाह में पहले भी नाल्टी में ऐसे एक वारदात हुई, उसके चलते जो भी सजा का हकदार था उसको सजा नहीं दी गई, सजा अगर उसको मिली भी तो भी उसको फांसी नहीं चढ़ाया गया। तो हम चाहते हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और जल्द से जल्द सजा दी जाए ताकि जो ये एक एग्जांपल सेट कर पाए आगे जो लोग ईव टीजिंग और उसके बाद रेप करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ऐसी हरकत वो दोबारा ना करे। हम चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो जल्द से जल्द इसकी तफ्तीश करे, जल्द से जल्द जो भी कसूरवार है उसको सामने लाए और जल्द से जल्द उसकी सजा दी जाए। टाइम में आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में जल्द से जल्द इसको, जल्द से जल्द जो भी इसमें कल्प्रिट आता है, सामने दोषी आता है और प्रूव होता है, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तीव्रता इसलिए बढ़ती जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। जैसा कि यहां सभी ने बताया कि हीनियस क्राइम है, कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज होता जा रहा है। ऐसा क्यों है दिन ब दिन भद्रवाह में ऐसी, हम बोलते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र बसते देवता, जहां नारी का पूजन होता है वहां पे देवता बसते हैं, तो ये कैसा बसना हुआ? जहां पे ऐसा क्राइम होता है कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना पड़ेगा, साथ में ये सब भूलना पड़ेगा कि कौन सी कौम कौन सी रिलीजन से लड़की आ रही है। लड़की लड़की है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है वो हमारी माँ बेटी के साथ गलत होने के बराबर है। इसलिए हमें आगे आना है और सजा जो भी है इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा दिलानी है। इसलिए बोलूंगा फांसी दो। वो वायरल हो रही है बच्ची की, जो पिक्चर्स है आप वायरल कर रहे हैं वो आपकी भी बच्ची की तरह है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस लड़की की पिक्चर वायरल ना करें, उससे क्या होगा कि वो लड़की कल को अगर जब भी बाजार निकलेगी या कहीं भी जाएगी वो हर वक्त उसी जैसे सदमे से जूझेगी, वो भी हमारी वजह से। दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि जस्टिस ने एक बार पहले भी बोला हुआ है वजीर ने कि आपको वन रेप वन सेंटर बनाना चाहिए, जहां आपका एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर और आपका एक लॉयर, तीनों होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो केस है वो फास्ट ट्रैक चलेगा। उसमें क्या है, आप कभी भी जाएंगे, हम रेप कल्प्रिट को जो रेप विक्टिम, हम रेप विक्टिम की तरह नहीं देखते, हम उसको कल्प्रिट की तरह देखते हैं। हम उससे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, बेटा कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमें अपनी कहीं ना कहीं मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। इसलिए हमारी मानसिकता सुधरती है तो जाके समाज सुधरता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी बच्ची की फोटो या पिक्चर आपके पास या वीडियो आती है प्लीज उसको वायरल ना कीजिए, अपने तक रखिए या उसको डिलीट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और यहाँ पर जो है आज आपने भी पार्टिसिपेट किया है तो किस कॉज के लिए, मेन कॉज क्या था? देखिए मेरा नाम चौधरी उवैस है और मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। इन यंग लोगों ने इस जी इन यंग लोगों ने इसका एक इनिशिएटिव जो है वो इस प्रोटेस्ट का जो है वो लिया था, तो मैं इसका पार्ट हुआ। और इस पार्ट होने का मकसद मेरा यही है कि एक वुमेन सेफ्टी जो है बहुत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है देश के आगे। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट या कोई और बड़ा मुद्दा अगर हम देखते हैं तो वैसे ही वुमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है, और इस हद तक बर्बरियत जो हमने आए दिन हमें देखने को मिलती है, कहीं 6-6 साल की 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ जब इस तरह का होता है तो दिल दहल जाता है इंसान का कि हो क्या रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? ये उन जानवरों को फ्री हैंड देने का मतलब है, उन जानवरों को खुला छोड़ने का मतलब है जिन जानवरों के अंदर ये पहले से मौजूद होता है अंदर, कि यार
वो बाद में जो कहते हैं ना, एक छोटी सी, एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक ईव टीजिंग या छोटे मोटे किसी को छेड़खानी करना, जब ये शुरुआत करता है, जब उसको लगता है कि कुछ नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ने भी इसको बहुत प्रमोट किया है, इस रेप कल्चर को एक तरह से। इस हद तक जब इन जानवरों को खुली छूट दी गई है, तब जाके आज आए दिन हमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये सब देखना पड़ रहा है। मैंने देखा ये 6 साल की बच्ची का जो ये रेप हुआ, मतलब इससे क्या साबित होता है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं, और हमारे अंदर, हमारे साथ वो जानवर चल रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में वो जानवर हैं जो जानवर कुछ भी कर सकते हैं, जो जानवर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमारे बीच है और हमारे जैसे हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। इसलिए माशरे के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे हमको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और सरकार के सर ये जिम्मेदारी है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट कम से कम इनके लिए होनी चाहिए। एक ऐसी सजा जो सजा किसी भी इस तरह की ख्याल रखने वाले, इस तरह की सोच रखने वाले आदमी को पहले करने से पहले उसके रूह कांपे, उसके रोंगटे खड़े हो जाए, वो सोचे कि अगर मैं ये करूं तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मेरा क्या हश्र होगा, तो वो हरकत से बाज आए, वो ये हरकत ना करे। मैं इस वक्त बहुत हताश हूं इस सब चीज़ से, और हमने वैसे ही प्रोटेस्ट में, इस वक्त सच कहूं तो जब ये खबर आई तब से इंसान समझ नहीं आता कि इंसान कहे क्या, कैसे एक्सप्रेस करे, क्या फीलिंग्स दिखाए। लेकिन जो कुछ है, अगर इस बार भी आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी, तो लानत है आपके इक्तदार पे, लानत है आपकी पोजीशंस पे। अगर इस बार भी ये कल्प्रिट बच के, चाइल्ड अब्यूज के केसेस हमने देखे हैं, आपकी नाक के नीचे चाइल्ड अब्यूज के केसेस हुए, आपकी नाक के नीचे से कल्प्रिट बच के निकला, मर्डर्स आपकी नाक के नीचे से बच के निकल गए, क्यों? ये आपकी जिम्मेवारी थी, आपने देखना था, आपने नहीं देखा, कहीं ना कहीं वीक पड़ा, आपने देखा। अगर आपने देखा होता तो आज ये रेपिस्ट सर नहीं उठाते। कम से कम खाइए, जो करना है करिए, लेकिन कम से कम इस तरह के जुल्म को मत होने दीजिए, कम से कम इस तरह के केसेस में बेदार होइए, कम से कम इस तरह के केसेस को एग्जाम्पली तरह से डील करिए, यही कहना चाहूंगा बस। मैं आपसे एक और चीज जैसे हमारे भाई यहाँ पे साथ में, उनने मोस्टली जो कॉज है आज के प्रोटेस्ट का वो बता दिया है। जैसे जिस तरह से एक बहुत हीनियस क्राइम हुआ है चिराला में, उससे अगेंस्ट हम आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक एस्टेब्लिश किया जाए। जिस तरह से एफआईआर हो गई है, कल्प्रेट जो है अरेस्ट किया गया है और सेक्शंस उस पर लगाई गई हैं। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा मैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक केस को कंडेम करने नहीं आए, हम एक पूरे एक कल्चर को कंडेम करने आए हैं, एक रेप कल्चर को कंडेम करने आए हैं, जो हमारी सोसाइटी की एक हार है, पूरी सोसाइटी की। हम लड़की की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे बीच अभी एक भी लड़की प्रोटेस्ट में नहीं है। ये हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमने उन्हें इस तरह के फ्रीडम आज तक दे नहीं रखी कि वो यहाँ पे हमारे साथ खड़े होकर अपनी जस्टिस के लिए, अपने हक के लिए बात कर सके। जी हमने कोशिश की थी, लेकिन उनको फ्रीडम उतनी नहीं दी जाती कि वो ओपनली आके इतनी बड़े लेवल पे आके बात कर सके। और ये मैं चाहता हूँ कि अपनी एक जनरेशन के साथ जो इस तरह की एक सोसाइटी स्टैब्लिश करे, इस रेप कल्चर को बिल्कुल डिमोलिश कर दे, और एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो लड़की के लिए सेफ रहे, और जिसमें लड़की भी इंक्लूड रहे, और लड़की अपनी बात खुद कहे, ना कि हमें उनकी इंसाफ की बात करनी चाहिए, वो अपनी इंसाफ की बात खुद कहें। और साथ में मैं सबको एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि सब यहाँ पे आए, सब ने पार्टिसिपेट किया, और ये कंट्रीब्यूशन उस लड़की के लिए है जिसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है, उसके लिए सब, हम सब की सद्भावना उनके साथ है, सिंपथी उनके साथ है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। डिमांड क्या है, कौन सा सेंटेंस जो है कल्प्रिट को मिलना चाहिए? डिमांड हम सब की यही है कि एक बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंज हो, और फास्ट ट्रैक के थ्रू जैसे ही जस्टिस मिले, जस्टिस हमें फांसी चाहिए, ठीक है। हैंग द कल्प्रिट हमारा हैशटैग रहेगा, एक स्लोगन रहेगा, हैंग द कल्प्रिट। थैंक यू। आने वाले टाइम में जो है मैं आपको मैं